आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये दिखाया जाता है कि विटामिन ई e कैप्सूल को कैसे ब्रेक करना है और उसका ऑयल कैसे स्किन पे लगाना है बट क्या कभी आपने सोचा कि वो इस तरह से कितना इफेक्टिव रहता है या उसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर हम वाइटामिन ई e कैप्सूल ऑयल को अपने स्किन पर इस तरह से लगाते हैं आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे मैं डॉक्टर संचिका गुप्ता कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट इन फ़रीदाबाद I'll be talking about vitamin E capsule oil on skin. What are the benefits of vitamin E on skin? Vitamin E एक बहुत अच्छा moisturizer है especially for dry and damaged skin. Elbows, knees या cuticles को moisturized रखने में बहुत help करता है Vitamin E एक potent antioxidant भी है इसका मतलब ये हमें free radical से होने वाले damage से बचाता है यही reason है कि विटामिन ई e हमें सन एक्सपोजर से यूवी रेडिएशन से होने वाले डैमेजिंग इफेक्ट से भी बचाता है हमारी स्किन को वाइटामिन ई e का एंटी एजिंग रोल भी है क्योंकि ये स्किन के हाइड्रेशन फैक्टर को इम्प्रूव करता है एंड सेल रीजनरेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है तो विटामिन ई फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है विटामिन ई डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है आपने देखा होगा कि अंडर आई क्रीम्स में विटामिन ई e पॉइंट फाइव टू वन परसेंट की कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है वाइटामिन ई हैज़ अ गुड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ऑन चैप्ड लिप्स ऑल्सो ये हमारे लिप्स को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है वाइटामिन ई स्कार्स या स्ट्रेच मार्क्स रेजुविनेशन में भी हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स सेल रीजनरेशन कैपेसिटी वाइटामिन ई एंटी इन्फ्लमेटरी होता है इसी वजह से ये हमारे स्किन को काम एंड सूद करने में हेल्प करता है इसके अलावा विटामिन ई वूंड हीलिंग में हेल्प करता है इवन स्किन टोन अचीव करने में हेल्प करता है एंड हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड विटामिन ई विटामिन ई एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जैसे कि सिरम्स मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन एंटी एजिंग क्रीम्स या फिर अंडर आई क्रीम्स वाइटामिन ई एट डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टोकोफेरॉल इकलौता ऐसा फॉर्म है जो ह्यूमन बॉडी रिक्वायरमेंट को मीट करता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी विटामिन ई टोकोफेरॉल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है सो so, अगर आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में टोकोफेरॉल टर्म देखते हैं तो इट्स विटामिन ई विटामिन ई या टोकोफेरॉल अपने नेचुरल फॉर्म में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है यानी कि वो जैसे ही एयर लाइट या हीट के कॉन्टैक्ट में आता है तो वाइटामिन ई e ऑक्सीडाइज हो जाता है इसी वजह से टोकोफेरॉल एसीटेट का इस्तेमाल होता है बिकॉज ये कंपैरेटिवली स्टेबल फॉर्म होता है वाइटामिन ई e का बट जब हम विटामिन ई e कैप्सूल ऑयल को अपने स्किन पे लगाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि टोकोफेरॉल एसीटेट एक्टिव टोकोफेरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है बिकॉज हमारी स्किन की आउटर लेयर मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती सो जब हम विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को डायरेक्टली स्किन पर लगाते हैं उसका स्किन पर हाइड्रेटिंग इफेक्ट तो ज़रूर है बट देर इज नो क्लियर डेटा शोइंग हाउ स्टेबल दिस फॉर्म ऑफ विटामिन ई इज व्हेन इट्स अप्लाइड ऑन स्किन एंड उसका कितना परसेंटेज बियॉन्ड द आउटर लेयर एब्जॉर्ब हो रहा है ये भी कोई क्लैरिटी नहीं है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज एक्ने ब्रेकआउट्स क्योंकि विटामिन ई हैवी ऑयल है तो वो पोर्स को क्लॉग करने की टेंडेंसी रखता है एंड एक्ने ब्रेकआउट्स को बढ़ाता है सो so, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है इट इज़ एडवाइजेबल कि आप यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट करें वाइटामिन ई ऑयल को अपने कानों के पीछे यूज़ करें फॉर अबाउट अ वीक एंड जस्ट चेक कीजिए कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहे जैसे कि बर्निंग सेंसेशन इचिंग या फिर रेडनेस अगर ऐसा नहीं है देन यू कैन यूज़ वाइटामिन ई सो वॉट इज द राइट वे टू अप्लाई वाइटमिन ई कैप्स्यूल ऑन स्किन हेयर एंड नेल्स फॉर स्किन वाइटामिन ई कैप्स्यूल से एक या दो बूंद लीजिए ऑयल का एंड मिक्स इट इन योर रेगुलर नाइट क्रीम्स और अपने फेस पर लगा लीजिए मेक श्योर कि आप सोने से थर्टी मिनट्स पहले ये मिक्सचर अपने फेस पे लगाएँ इससे आपके पिलो कवर पर या शीट पर एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा फॉर हेयर वाइटामिन ई कैप्स्यूल से आप पूरा ऑयल स्क्वीज आउट कीजिए एंड अपने रेगुलर हेयर ऑयल के साथ मिक्स कीजिए एंड देन मसाज इट ऑन योर स्कैल्प लीव इट फॉर वन टू टू आवर्स एंड देन आप अपने शैम्पू से वॉश कर लीजिए नेल्स के लिए आप वाइटामिन ऑयल e को नेल्स क्यूटिकल्स एंड सराउंडिंग स्किन पे अच्छे से मसाज करें एंड लीव इट ओवरनाइट इससे आपका नेल यूनिट बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा मैं वाइटामिन ई e से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। फर्स्ट इज हु शुड नॉट अप्लाई वाइटामिन ई ऑयल अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप वाइटामिन ई e को बहुत ही ध्यान से यूज़ करें हाउ मेनी टाइम्स शुड वी अप्लाई वाइटामिन ई ऑयल ऑन स्किन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हर रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वंस अ वीक ही यूज़ कीजिए एंड थोड़ा केयरफुली यूज़ करेंगे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें थैंक यू आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आपको विटामिन ई कैप्सूल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं